हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रॉफिट गुरु चैनल में एक बार नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, संबंधना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड, जिसे हम मदरसन सुमी सिस्टम लिमिटेड के नाम से जानते थे, खैर अब ये कंपनी 3 भागों में बट चुकी है, ठीक है, और 2 भाग कंपनी के मार्केट में लिस्ट है, ठीक है। मदरसन सुमी सिस्टम लिमिटेड दोस्तों कहाँ पर आ गया है, वो उसकी पेरेंट्स कंपनी संबंधना मदरसन इंटरनेशनल में आके मर्ज हो गया, ठीक है। तो ये 2 कंपनी एक कंपनी बन गई, ठीक है, इनका दोनों का बिजनेस एक हो गया। और जो मदरसन सुमी सिस्टम लिमिटेड का एक बिजनेस था, ठीक है, बायरिंग वाला, ठीक है, वो अलग होके स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों एक और बार कंपनी हिस्ट्री क्रिएट करने जा रही है, ठीक है। 9 बार पहले कंपनी बोनस दे चुकी है, 10वीं बार कंपनी बोनस देने जा रही है, ठीक है, 10वीं बार अपने शेयर होल्डर को बोनस देने जा रही है। आज लगभग 99% कन्फर्म हो चुका है कि बोनस हमें मिलेगा। पहले 90% था, लेकिन आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ से भी अप्रूवल मिल चुका है। अभी एक जगह से अप्रूवल मिलना बचा है, ठीक है, तभी मैं बोल रहा हूँ कि 99% यहाँ पर कन्फर्म हो चुका है। अब आप देख सकते हैं स्टॉक का प्राइस है 128.25 रुपये। आज इसी न्यूज़ के कारण स्टॉक 4.5% भागा है, ठीक है। इसका आज का परफॉर्मेंस देखें तो 122.75 रुपये का स्टॉक था, ठीक है, प्रीवियस क्लोज 124 पे ओपन हुआ, 129.10 रुपये हाई लगाया, 123.15 रुपये का लो लगाया, और हाई है दोस्तों स्टॉक का 257.80 रुपये। और स्टॉक को ओवरऑल का रिटर्न देखेंगे तो 100,000% का रिटर्न है। ऊपर का छोड़ दीजिए, खाली नीचे का ही गिन लीजिए, 100,000% का रिटर्न, ठीक है। इतनी ज़ोरदार ये कंपनी है, तो अब आप सोच सकते हैं कि कंपनी ने इससे पहले 9 बार बोनस दिया है, 22 बार डिविडेंड दिया है और 2 बार स्प्लिट दिया है। तो इतना पैसा कंपनी ने एक्स्ट्रा दिया है, स्प्लिट को आप छोड़ दीजिए, ठीक है, खाली बोनस और डिविडेंड मान लीजिए, तो इतना पैसा आपको कंपनी ने एक्स्ट्रा कमा के दिया है 100,000% से अलग, ठीक है। ये होती है लॉन्ग टर्म की खासियत, ठीक है। और 10वीं बार कंपनी बोनस देने जा रही है, तो किस रेशियो में कंपनी बोनस दे रही है और किन का अप्रूवल मिलना अभी हमें बाकी है, यह अब हम देख लेते हैं कंपनी की ऑफिशियली पीडीएफ के ऊपर चल के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, कंपनी की ऑफिशियली पीडीएफ के ऊपर आ चुके हैं। आज कंपनी की बोर्ड ऑफ मीटिंग थी, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आउटकम निकल के आया है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज के दिन मीटिंग हुई, ठीक है, रिकमेंडेड इशू ऑफ बोनस शेयर, ठीक है, रेशो बताया गया है, क्या रेशो बताया गया, 1:2 का, ठीक है। इसमें बहुत सारे इन्वेस्टर समझेंगे कि हमें एक शेयर पे 2 शेयर बोनस मिलेगा, नहीं दोस्तों, 2 शेयर पे आपको 1 शेयर बोनस मिलेगा। अगर कंपनी के आपके पास 3 शेयर हैं, ठीक है, तो उसको 4 कर लीजिए, ठीक है, तो आपको कितना शेयर मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा दोस्तों 2 शेयर कंपनी का बोनस, ठीक है, या फिर 3 ही रहेंगे तो आपको 2 शेयर पे 1 ही शेयर बोनस मिलेगा, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि वो 1 शेयर का हमें कुछ पैसा ऐसा कुछ मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है, ठीक है। अब किसकी तरफ से अप्रूवल मिलना बाकी है, सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर, ये व्यक्ति है जो यहाँ पर अप्रूवल अब देंगे, ठीक है, इनके ऊपर है देंगे या नहीं। खैर बोनस मिल रहा है तो दोस्तों कोई पागल व्यक्ति होगा जो मना बोलेगा, ठीक है, अच्छा व्यक्ति तो फटाक से हाँ बोल देगा कि हाँ बोनस मिल रहा है, मैं राजी हूँ, ठीक है, आप बोनस दीजिए, ठीक है। खैर वो तो कंपनी के रूल और रेगुलेशन रहते हैं, ठीक है, पॉलिसीज रहती है, कानून रहते हैं, ठीक है, जो फॉलो करना पड़ता है कंपनीज़ को, ठीक है। अभी रिकॉर्ड डेट मार्केट में नहीं आई है, ठीक है, जैसे ही आएगी वो अपडेट करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं इक्विटी शेयर मिल रहे हैं, बोनस इशू टाइप मिल रहा है, ठीक है, 225 करोड़ शेयर यहाँ पर मार्केट में लाए जाएंगे उतने ही रुपए के, क्योंकि फेस वैल्यू एक ही कंपनी की, ठीक है। अभी मार्केट में 451,76,14,244 रुपये मार्केट में घूम रहे हैं, इतने शेयर भी घूम रहे हैं, ठीक है, जो दोस्तों बोनस मिलने के बाद 677 करोड़ के हो जाएंगे, ठीक है, आप देख सकते हैं। मतलब यहाँ पर पूरा डिटेल्स दिया हुआ है किस किस प्रकार से हमें बोनस मिलेगा, किस किस प्रकार से नहीं, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा न्यूज़ देखने को मिल रहा है। अब इसका दोस्तों मैं आपको हिस्ट्री दिखाता हूँ, ठीक है, कि एक शेयर को इसने कितने शेयर में कन्वर्ट किया है। दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाली है, ठीक है, इस सेशन में, क्योंकि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, आप देख सकते हैं बोनस की हिस्ट्री के ऊपर, ठीक है। तो कंपनी ने सबसे पहला बोनस हमें दिया था कब, 1997 में, ठीक है, 27/11/1997 में दिया था
इसी रेशियो में दो शेयर पे एक शेयर, ठीक है। अगर उस समय कंपनी के दो शेयर आपके पास थे, ठीक है, तो आपको कितने शेयर बोनस मिल गए थे? तीन, मतलब आपके टोटल तीन शेयर हो गए थे, एक बोनस मिल गया था। ठीक उसके तीन साल बाद कंपनी ने फिर दो शेयर पे एक शेयर बोनस दिया, ठीक है। तो आपके पास तीन शेयर थे तो दो पे मिले आपके, ठीक है। तो अब आपके पास टोटल कितने शेयर हो गए? ये दो बार के बोनस में आपके पास कंपनी के चार शेयर हो गए, दो शेयर से चार शेयर हो गए, ठीक है। उसके बाद 2005 में फिर हमें शेयर बोनस मिला, तो अब हमारे पास चार शेयर हैं, चार शेयर पे फिर हमें एक मतलब दो शेयर पे फिर एक शेयर बोनस मिलेगा, तो चार शेयर पे दो मतलब छः हो गए, ठीक है। छः शेयर यहाँ पर हो चुके हैं हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर हमें छः शेयर पे एक एक शेयर मिलेगा बोनस, तो कितने शेयर हो जाएंगे? नौ शेयर, ठीक है, नौ हो चुके हैं। अब नौ के बाद दोस्तों यहाँ पर आठ शेयर पे बोनस मिलेगा, ठीक है, आठ शेयर पे मतलब हमें कितने शेयर बोनस मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हमें मिलेंगे लगभग चार शेयर बोनस मिलेंगे, ठीक है, और नौ हमारे पास पहले से थे, तो कितने शेयर हो गए? तेरह, ठीक है। अब यहाँ पर हमें कितने शेयर ऊपर बोनस मिलेंगे दोस्तों? यहाँ पर मिलेंगे हमें लगभग बारह शेयर के ऊपर, बारह शेयर मतलब छः शेयर हमको बोनस मिलेंगे, छः शेयर बोनस मिलेंगे और तेरह हमारे पास पहले से थे, मतलब उन्नीस शेयर हो चुके हैं, ठीक है। 19 शेयर पे अब हमें बोनस मिलेंगे, मतलब 18 शेयर पे, ठीक है। तो 18 शेयर पे बोनस मिलेंगे तो 9 शेयर कंपनी और देगी, ठीक है, 9 शेयर और दे रही है, ठीक है, और 19 शेयर पहले से है, तो कितने शेयर हो गए अब हमारे पास? अब हमारे पास लगभग 28 शेयर हो गए, ठीक है, 28 शेयर हो गए। अब हमें 28 शेयर पे बोनस मिलेंगे, मतलब 14 शेयर और बोनस मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 28 और हम 14 अगर कैलकुलेट करते हैं तो कितने शेयर हो गए? लगभग 42 शेयर, ठीक है, 42 शेयर पे फिर हमें यहाँ पर बोनस मिल रहा है, ठीक है। 42 शेयर पे हमें कितने बार बोनस मिलेगा? एक बार, मतलब 42 शेयर पे एक शेयर बोनस मिल रहा है, तो लगभग हमें यहाँ पर मिलने जा रहा है 22 शेयर बोनस, ठीक है। तो 42 और 22 कितने हो गए दोस्तों? 64, 64 शेयर यहाँ पर हमारे बोनस हो गए। हमारे पास कितना शेयर था? हमारे पास कंपनी के मात्र दो शेयर थे, वो आज दोस्तों 64 शेयर में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब यही 64 शेयर पे दोस्तों हमें एक बार फिर से कंपनी बोनस देने जा रही है, ठीक है, कितने? दो शेयर पे एक शेयर, ठीक है। तो 64 शेयर है, तो 64 शेयर पे हमें लगभग 32 शेयर और बोनस मिलेंगे, 32 शेयर और बोनस मिलेंगे। तो 64 प्लस 32 अगर हम करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 96 का रेशो, मतलब दो शेयर जो थे ना वो 96 में कन्वर्ट हो चुके हैं, ठीक है, दो शेयर 96 में कन्वर्ट हो चुके हैं, इस चीज़ को याद रखिए। अब मैं स्प्लिट के तरफ जाता हूँ, ठीक है, स्प्लिट के तरफ आता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये साइड ओपन हो रही है आप लोगों के सामने, तो नीचे आ जाता हूँ। देखिए 2002 में, ठीक है, देखिए वही रेशो से स्प्लिट भी मिलता पहले भी और अभी भी, शेयर उतने ही हो जाते, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 96 शेयर हमारे पास कंपनी के हैं, ठीक है, ये मान के चलिए, ठीक है, जिनकी फेस वैल्यू 10 है, ठीक है। अब वही फेस वैल्यू कहाँ पर कन्वर्ट हो रही है? 5 में, मतलब दोस्तों आपको क्या मिल रहा है? आपको एक शेयर मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि कंपनी का फेस वैल्यू अभी कितना है? 10 है, आपके कितने शेयर है? एक है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके कितने शेयर हो जाएंगे? दो, क्योंकि टू ट्राई फेस वैल्यू, तो दो, तो 96 शेयर पे हमें दो शेयर मिल रहे हैं, 96 शेयर पे हमें दो शेयर मिल रहा है, तो कैलकुलेशन कितना हो रहा है? 96, ठीक है, 96 इंटू दो शेयर इस पर अगर हम जोड़ेंगे तो मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ दोस्तों। 96 शेयर पे हमें 192 शेयर मिलेंगे, ठीक है, और फिर उस पर अगर हम 96 शेयर जोड़ देंगे तो वो लगभग 288 शेयर के करीब हो जाएंगे, ठीक है। फिर उस पर क्या मिलेगा? फिर उस पर दोस्तों हमें एक शेयर पे 5 शेयर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर फिर देखिए अभी ये यहाँ पर देख सकते हैं एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, ठीक है, 5 है। अभी ये टूट के कितनी हो जाएगी? एक, ठीक है। तो हमारे जो 288 शेयर है, ठीक है, उन पर हमें कितना शेयर मिल रहा है? 5 शेयर, ठीक है। तब आप इसको आगे खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि इतने और 288 शेयर पहले के हैं, ठीक है। तो इतना आप देख सकते हैं, दो शेयर हमारे करीबन हजारों शेयर में कन्वर्ट हो चुके हैं, ठीक है, और उस हज़ार शेयर का शेयर प्राइस आप देख सकते हैं कितना, मतलब करोड़ों रिटर्न दोस्तों इस कंपनी ने हमें दे चुकी है, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए इस हिस्ट्री को, ठीक है, क्योंकि कंपनी बहुत तगड़ी है, ठीक है, आगे भी इसी प्रकार से कंपनी और मजबूत होने वाली है, ठीक है। ये नहीं है कि कंपनी पीछे आएगी,
आगे जाने वाली है और इतनी तेज़ी तरीके से आगे जाने वाली है दोस्तों, जो आप लोगों उसको पकड़ भी नहीं पाओगे। ठीक है, तो अभी आप लोगों के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी की बोनस भी मिलने जा रहा है, इन्वेस्टमेंट करने का भी काफ़ी बड़ा मौका है, तो लपक लीजिए। काफ़ी हैवी क्वांटिटी में स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करिए। क्यों? क्योंकि कंपनी की फंडामेंटल कंडीशन बहुत स्ट्रांग है, आगे रिटर्न भी ये कंपनी हमें बहुत ज़ोरदार देने वाली है। ठीक है, तो बिल्कुल भी इस कंपनी को इग्नोर मत करिए दोस्तों। ठीक है, नहीं तो बाद में आप काफ़ी ज़्यादा पछताओगे, क्योंकि पछता तो अभी भी रहे हैं। दो शेयर कितने हज़ारों में कन्वर्ट हो गए ये मैंने अभी आप लोगों के सामने आपको बताया है। ठीक है, खुद भी आप कैलकुलेट कर सकते हो अपने डाटा ओपन करके। ठीक है, जब आप खुद डाटा ओपन करोगे, जब आपको खुद को रियलाइज़ होगा, तब जाके आप इन्वेस्टमेंट इसमें ज़रूर करोगे। ठीक है, तभी तो ऐसी क्वालिटी वाली कंपनी दोस्तों हम आप लोगों तक लाते रहते हैं। ठीक है, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि डेली बेसिस पर सब बेहतरीन अपडेट हम आप लोगों तक लाते रहते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।